नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनबीसी न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा पार्टी के लिए सभी सीटें अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि गत बार हुए पंचायती राज के चुनाव में विधानसभा क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ लोगों ने जनादेश देते हुए भाजपा को शानदार जीत का आशीर्वाद दिया। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि पार्टी ने उपचुनाव को लेकर पहले ही जमीनी तौर पर तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और रुतबे का लोगों को बेदिखाने का आरोप लगाते हुए भाजपा के पलड़े को भारी बताया। टिकट के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने बहुत पहले शुरू कर दी थी और खास तौर पर सर्वे एक केंद्र ने और हम लोगों ने भी कराए, साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर भी पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं उनसे आपस की वार्ता हुई। मैं खुद चारों विधानसभा क्षेत्रों में जाके आया हूँ और उसके अलावा जो पार्टी के जितने सीनियर लोग हैं, तीनों केंद्रीय मंत्री, हमारे नेता प्रतिपक्ष और उपनेता, ये दो दो लोग प्रत्येक विधानसभा में गए हैं। पूरे दिन पार्टी के बूथ से लेके और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को सुना है। कुल मिलाकर एक अच्छी स्क्रीनिंग हुई है। अब माननीय प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठ के और इसकी पूरी चर्चा करेंगे। जो जिताऊ होगा उसके बारे में उनको विचार करेंगे। राजसमंद में टिकट सिलेक्शन का टफ है या आपको लगता है कि हाँ उम्मीदवार मिल गया आपको? नहीं, टिकट सिलेक्शन कोई टफ नहीं है क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में से लड़ना और पार्टी के पास में एक योग्य और क्षमतावान और जीतने वाले कार्यकर्ताओं की लंबी खेप है, उसमें से भी जो 21 होगा उसके बारे में विचार करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एनबीसी न्यूज 24।